नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेश्वर। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त है न्यूज एट 4 का। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई पर कार्रवाई की गई है। विकास दुबे के भाई का मकान कुर्क किया गया है। दीप प्रकाश दुबे के मकान को कुर्क किया गया है। लखनऊ को कृष्णा नगर में भाई का मकान है। 82 नोटिस के बाद मकान की कुर्की की गई। कृष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। लखनऊ पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। बिकरू कांड के बाद से ही दीप प्रकाश फरार चल रहा था। उसके मकान पर लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन लगातार नोटिस दिए जाने के बाद अब कुर्की की कार्रवाई की गई है। तो गैंगस्टर विकास दुबे के भाई पर कार्रवाई की गई है। विकास दुबे के भाई का मकान कुर्क किया गया है। लखनऊ के कृष्णा नगर में मकान है जिसमें कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बिकरू कांड के बाद से ही लगातार दीप प्रकाश की तलाश की जा रही है और दीप प्रकाश पर 50,000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया है और आज उसके मकान में कुर्की की कार्रवाई की गई है। विकास दुबे के भाई का मकान कुर्क किया गया है। दीप प्रकाश दुबे के मकान को कुर्क किया गया है और ये मकान लखनऊ के कृष्णा नगर में है। लखनऊ के कृष्णा नगर में विकास दुबे के भाई का मकान है जिसमें कुर्की की कार्रवाई की गई है। के नामित अभियुक्त दीपक दुबे उर्फ दीपू पुत्र रामकुमार दुबे निवासी ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर वर्तमान पता K528 इंद्रलोक कॉलोनी कृष्णा नगर थाना कृष्णा नगर जनपद लखनऊ के विरुद्ध वर्तमान पते पर माननीय संगत न्यायालय से इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंतर्गत कुर्की के आदेश की प्रक्रिया के आदेश प्राप्त हुए हैं। इसी संबंध में आज हम सब यहां आए हैं। विधि सम्मत ढंग से इस संबंध में 83 दप्रसा की कार्रवाई की जा रही है और जितने भी जो उपबंध हैं कोर्ट के उसका समुचित एवं सम्यक अनुसरण किया जाए। वहीं प्रयागराज से अगली खबर है जहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। हिस्ट्री शीटर फरहान का मकान गिराया गया है। करीब 250 वर्ग गज में अवैध रूप से मकान बनाया गया था। आलीशान मकान बना दिया गया पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग का ये मेंबर है फरहान, जिसने आलीशान मकान बनाया था 250 वर्ग में। आपको बताएं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। झपिया मऊ बमरौली में हिस्ट्री शीटर का मकान गिराया गया है। राजूपाल हत्याकांड में भी शातिर फरहान शामिल था और अब उसका अवैध मकान जमींदोज कर दिया गया है। दरअसल पीडीए से बगैर नक्शा पास कराए ये मकान उसने बनाया था। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। नूरनगर सिहानी में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है। अवैध 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान ध्वस्त कर दिए गया है। प्रवर्तन जोन फर्स्ट में ये कार्रवाई की गई है। तो जीडीए ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अवैध 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान जमींदोज कर दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए, बड़ी कार्रवाई जीडीए ने की है। नूरनगर सिहानी में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसा है और अवैध रूप से बन रहे मकानों को जमींदोज कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन जोन फर्स्ट में कार्रवाई की गई है। ये देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये मकान जिन्हें जीडीए ने जमींदोज किया है, ये मकान अवैध रूप से बनाए जा रहे थे और अब इन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है, इन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। तो नूरनगर सिहानी में ये अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, यहाँ पर अवैध मकान बनाए जा रहे हैं। अवैध 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान गिराए गए हैं। प्रवर्तन जोन फर्स्ट में ये कार्रवाई की गई।
तो उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध निर्माण पर अब पीला पंजा चल रहा है, लगातार उसे ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, हम तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर में कुर्की की गई है, तो वहीं प्रयागराज में भी शातिर फरहान के घर को ध्वस्त किया गया है। और गाजियाबाद में जीडीए का जो बुलडोजर है वो अवैध दो मंजिला मकानों पर गिरा है, चला है, यानी कि जो अवैध रूप से कॉलोनियां बनाई जा रही हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है और जगह जगह, शहर शहर जो अवैध निर्माण है उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है।